Okay, so we'll go ahead with next question. Example 9.11. A galvanometer has a resistance of 40 ohm. अगर आपको याद होगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और कितनी वैल्यू है 40 ओम एंड अ करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर इज नीडेड फॉर अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट है 4 मिली एम्पियर, मतलब आई जी की वैल्यू कितनी है 4 मिली 10^-3 एम्पियर. व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड हाउ is it to be connected to convert the galvanometer into an ammeter of 0.4 ampere range and into a voltmeter of 0.5 volt range. So aapko galvanometer ko kis mein convert karna hai, ammeter mein, aur dusre case mein kis mein convert karna hai, voltmeter mein. Ammeter mein convert karne ke liye aap resistance ko kaise lagate ho, series mein ki parallel mein? Parallel, jisko tum shunt bolte ho, right? तो आपको ऐसा बोला है कि रेंज मतलब टोटल करंट कितना होना चाहिए 0.4 और वोल्टेज कितना होना चाहिए 0.5. तो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन मेजर, दिस इज द मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर. तो दो केसेस हैं. पहले केस में आपको एमीटर बनाना है, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस. क्योंकि एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुम गैल्वेनोमीटर को क्या करते हो, शंट करते हो, पैरेलल करते हो, पैरेलल में लगाते हो रेजिस्टेंस. और दूसरे केस में क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं. किसमें लगाते हैं, सीरीज. तो डू यू रिमेंबर हमने कल ही ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे. एस क्या था, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. ऐसे ही था ना, ऐसे ही था. व्हाट वाज आर एस, V अपॉन आई जी माइनस जी. तो ये दो फॉर्मूलाज थे. तो दोनों फॉर्मूला, एंड बाय द वे जैसे मैंने बोला, शंट ये होता है किसमें, पैरेलल में, टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर. और वोल्टमीटर के लिए क्या करते हो, सीरीज. तो इधर ही मेंशन कर दिया. नंबर वन, S इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. आई जी की वैल्यू कितनी है, 4×10^-3. आई कितना है, 0.4, मतलब 4×10^-1. तो 4×10^-1 माइनस 4×10^-3. जी की वैल्यू कितनी है, 40. 4×10^-3×40 अपॉन क्या कॉमन निकला, 4×10^-1. तो पहले टर्म में क्या बचा, 1. यहाँ कितना बचा, 10^-2. कैंसल बराबर, पक्का 40 मतलब 4×10 और 10^-3 10^-2 और नीचे 10^-1 तो 10^-2 और नीचे 10^-1 तो कितना आया, 10^-1. तो ऊपर बचा 4×10^-1, तो ऊपर आएगा 4×10^-1, नीचे आएगा 1 - 1/100. क्योंकि 10^-2 था तो वो जाएगा नीचे, 10^+2 हो जाएगा. 4×10^-1 4×10^-1 दिस इज 99/100. ये ऊपर गया, ये 10^-2 है, 10^+2 है, तो कितना बचेगा, 10^-1 और 10^+2, 10 कितना बचेगा, 10×4 तो 40/99. ये आ गया आपका शंट, हो गया. उसके बाद सेकंड केस में सीरीज में लगाना है V/IG - G. V की वैल्यू कितनी है, 0.5. 0.5 का मतलब क्या होता है, 5×10^-1 और IG कितना था, 4×10^-3 और G कितना है, 40. ठीक है, तो ये हो गया 5, ये ऊपर गया 10^+3 और -1 मतलब 10^2 मतलब कितना, 100/-40. 1 25 25
125 में 40 गए 85 डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी प्रैक्टिस वाला नंबर 10 और 11 हमारा ऑलरेडी हुआ है, तो वी गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 12. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12. अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 30 ओम. व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम. तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है. एक वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम. व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, सबसे पहले ये पता होना चाहिए. अगर आपको याद होगा ना, मैंने एक टॉपिक लिया था एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर. मैंने वहाँ बताया था आपको कि पोटेंशियोमीटर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों मेजर करता है, लेकिन वोल्ट मीटर सिर्फ क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, और वी क्या होता है आईआर, आई इंटू आर. तो ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. इन्होंने बोला है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना, मतलब क्या वी इक्वल्स टू आई आर कितना. तो आपको वी पूछा है, क्या पूछा है वी, और आर दिया है कितना दिया है 30. लेकिन तुमने वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट किया, अक्रॉस अ सेल, सेल का ई एम एफ कितना है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 10. तो पहले सर्किट समझ लो कैसा है. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. ये है एक वोल्ट मीटर, कौन है ये वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है. तो मैं बस वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को दिखा रहा हूँ आर. बट इसको तुमने कनेक्ट किया कहाँ पे, कनेक्ट किया कहाँ पे, कनेक्ट किया कहाँ, कनेक्ट किया किसके साथ, कनेक्ट किया सेल के साथ किया ना. हाँ, तो सेल के साथ कनेक्ट किया, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं स्मॉल आर, और ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट. तो क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ होने के बाद ये करंट आए जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से. व्हाट इज आर का वैल्यू कितना है 30 ओम. व्हाट इज ई का वैल्यू 2 वोल्ट. व्हाट इज स्मॉल आर का वैल्यू 10 ओम. आपको पूछा क्या है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मतलब क्या पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पूछा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. उसका फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर. आर तो पता है, आई पता है नहीं पता है. तो नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा, कैसे करोगे, पहले फॉर्मूला बता दूं मैं, लेकिन फिर डिराइव करना पड़ेगा आपको. तो चलो बता देता हूँ, आई इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो ये जो लूप है ना, इस पे हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ लगा लेंगे. तो अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ए से बी जाओगे तो कोई ड्रॉप हो रहा है नहीं, बी से सी जाओगे तो तुम बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो नेगेटिव. तो क्या लिखते हैं, करंट सामने से आ रहा है तो प्लस. सी से डी जा रहे हो कोई ड्रॉप है नहीं, डी से ए जा रहे हो प्लस आई कैपिटल आर इक्वल्स टू जीरो. तो ई क्या आ गया आई आर प्लस आई कैपिटल आर, तो आई कॉमन आ गया तो आर प्लस कैपिटल आर. वेरी गुड गुड, इसको इक्वेशन वन बोल देंगे. अब आई क्या आएगा, आई क्या आएगा E अपॉन स्मॉल आर प्लस, तो वही तो मैंने बोला था कि ऐसा ही आएगा. क्यों आया, बिकॉज ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, V का आया और आए है E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और ये है इन टू. बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर. तो V equals to, what is the value of E? 2. What is the value of small r? 10. Capital R? 30. और यहाँ पे 30. तो V equals to 2 by 40 into 30. Good.
कैंसिल कैंसिल 1/2 जा तो कितना हो गया 3/2 तो कितना हो गया 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अ सेट ऑफ थ्री कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 10 ओम 12 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो तीन कॉइल्स है और रेजिस्टेंस इन तीन कॉइल का रेजिस्टेंस है 10 12 15 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सीरीज में है किसके साथ विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंसेस मतलब टोटल छह रेजिस्टेंस है तीन है पैरेलल में तीन है सीरीज में और पैरेलल और सीरीज वापस किस में है सीरीज में। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस कितना बताओ और सर्किट में करंट कितना बताओ। इफ अ बैटरी ऑफ EMF 4.1 वोल्ट इज यूज फॉर ड्रॉइंग करंट बराबर क्वेश्चन समझा। अब सबसे पहले क्वेश्चन समझा है तो पहले इसका डायग्राम देख लो डायग्राम ड्रॉ कर लो। ऐसा है कितने रेजिस्टेंस है 6 टोटल कितने हैं 6 रेजिस्टेंस है उसमें से तीन किसमें है पैरेलल में उसमें से तीन पैरेलल में है वेरी गुड और तीन किसमें है सीरीज में। तो ये तीन हो गया पैरेलल में और यहां पे मैं और तीन दिखा देता हूं सीरीज में। और तीन दिखा दिए सीरीज में बराबर। एक काम करते हैं इनको नाम दे देते हैं इसको R1 बोल देता हूँ इसको R2 बोल देता हूँ इसको R3 बोल देता हूँ इसको R4 बोल देंगे इसको R5 और इसको R6। अब जो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये जो पैरेलल है हाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो ऐसा कनेक्शन है करेक्ट। देन यहाँ से एक टर्मिनल निकाला और इस टर्मिनल से R6 के दूसरे टर्मिनल तक एक बैटरी लगा दिया। मैं नहीं बोल रहा क्वेश्चन ने बोला है क्वेश्चन ने ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं कितना वोल्ट का बैटरी था 4.1 बराबर। तो ऐसा होगा सर्किट डायग्राम। अब गिवन पैरामीटर में क्या क्या है देख लेते हैं। जो तीन कॉइल्स थे रेजिस्टेंस कितना था 10 12 और 10 ओहम 12 ओहम और कितना ओहम 15 ओहम ऐसा बोला है कि नहीं बोला है हाँ कि ना यस राइट करेक्ट। जो तीन पैरेलल में है उनकी वैल्यूज क्या क्या है 10 12 और 15 तो ये क्या हो गया R1 ये क्या हो गया R2 ये क्या हो गया R3 लेकिन सीरीज में भी तो सेम है तो ये कौन हो गया R4 R5 R और जो EMF है इस EMF को मैं V बोल देता हूँ 4.1। अब बोलोगे तो EMF है V को लिखा जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्या होता है सेम कब होता है सेम जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो तो सेम होता है। आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है आपको फाइंड करने के लिए बोला है टोटल रेजिस्टेंस मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 6 मिला के कितना ऐसा और क्या पूछा है करंट क्या पूछा है करंट ठीक है। अब R1 R2 R3 किस में है पैरेलल में है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन। R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल तो देयरफॉर 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तो 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/50 इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 4 आएगा कितना आएगा 4 करना है तो कर लो चलो कर लेता हूँ 1/RP इक्वल्स टू 1/10 प्लस देखो ऐसा है ये 15 और 12 कितना 27 15 इंटू 12 कितना 180 ऐसे होता है ना ऐसे होता है
अब एक काम और करेंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो 18 अपॉन 180 प्लस 27 अपॉन 180, करेक्ट। तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू कितना आया, 45 अपॉन 180, 1s are 4, तो RP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन तीनों को हटा के एक सिंगल RP लगा सकता हूँ 4 ओम का। फिर ये RP, R4, R5, R6 किस में है, सीरीज में। तो नाउ RP, R4, R5 and R6 आर इन सीरीज। तो फाइनल इक्विवेलेंट क्या होगा, RP plus R4 plus R5 plus R6, RP की वैल्यू 4, R4 10, R5 12 और ये 15, 14 और 12, 26, 14 और 12, 26 और 15 कितना 41, तो इक्विवेलेंट कितना है 41, और V इक्वल्स टू क्या है IR, तो I क्या आएगा V/R इक्विवेलेंट, V कितना था 4.1, ये कितना है 41, 1 जाए 10 जाए तो कितना 0.1 एम्पीयर। डन, चलो अगला क्वेश्चन। डन, क्विक। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्कोर करने के चांस है, तो इसको अच्छे से करना इन बोथ स्टेट बोर्ड एंड CET। क्वेश्चन, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम का। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम। हमने इस वायर को एक सेल के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जिसका EMF था 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस था 5 ओम। कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, एक वायर है, ये एक वायर है राइट। वायर को हमने किसके साथ कनेक्ट किया सीरीज में, एक सेल के साथ। ओके, तो हमने एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया इस वायर को सीरीज में, यहाँ पे लगा दिया सेल और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया सेल और यहाँ आ गया सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है EMF, ये है R। और जो वायर है उसका खुद का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। सर बोला है क्वेश्चन में कितना रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये यहाँ तक पक्का। तो सेल यहाँ से करंट ड्राइव करेगा I, वो करंट यहाँ से जाएगा, फिर वो यहाँ से आके नेगेटिव टर्मिनल में वापस जाएगा। अब हमको गिवन पैरामीटर क्या क्या है पहले वो देखना पड़ेगा। हमको दिया हुआ है कैपिटल R, कितना दिया हुआ है 10 ओम। हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ वायर, कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। हमको बताया है EMF ऑफ द सेल, कितना बोला है 4 वोल्ट। हमको दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, और हमसे पूछा है क्या पूछा है, क्या पूछा है पता है क्या पूछा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट याद होगा, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पूछा था हमसे, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो क्या पूछा है, के, के पूछा है। अब के का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, वी अपॉन। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है जो आज के बाद होना नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी भी वायर का होता है, किसका होता है, बैटरी का नहीं होता, किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है, वेरी गुड, याद रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। वायर का क्या है, रेजिस्टेंस है, क्या है, क्या है, तो वायर के दो एंड के अक्रॉस तो जो तुम मेजर करोगे वो EMF होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसको किससे नोट करते हो, इसके लिए ऐसा लिखा है।
पक्का। और ये वी किसका है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अक्रॉस द तो वी क्या होता है? आयर, क्या होता है? कौन सा आर? वायर का आर, सेल कमिंग किसका आर? बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अभी अभी थोड़ा सा टाइम पहले यू रिमेम्बर हमने किरचॉफ्स लॉ लॉ यूज करके आई फाइंड किया था ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो यहाँ पे भी वही आएगा ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो टाइम बच गया ना हमारा। तो देयरफोर के क्या था? के था आई आर बाई एल, आई आर बाय एल, लेकिन आई क्या आया? ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, राइट, आर बाय, तो के क्या आया? ई कितना है? स्मॉलर कितना है? स्मॉलर कितना है? कितना है? 5। कैपिटल कितना है? 10। ये कितना है? 10। और ये कितना है? 1.5। तो के आ गया 4 × 10 अपॉन 15 × 1.5। वेरी गुड, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऊपर आ गया कितना? 8, क्योंकि 8 है, अपॉन 3 × 3/2, क्योंकि 1.5 कितना होता है? 3/2, और ये 2 ऊपर गया तो कितना हो गया? 16/9। आपको पता है 16/9 मतलब क्या? 1.77 वोल्ट पर मीटर, पर अब मीट पर मीटर क्यों? क्योंकि एल की वैल्यू तुमने क्या लिखी? वो किस में थी? लेकिन पूछा क्या है? सेंटीमीटर। तो मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? कैसे करेंगे? 10^2 -2 +2 होता है, 1 मीटर 10^2 सेंटीमीटर। तो उधर गड़बड़ मत कर देना, वो गड़बड़ कर दी तो गए। बराबर, यहाँ तक क्लियर? श्योर श्योर, 100%, हाँ कि नहीं? अरे तो हाँ, बोलो नहीं बोलो, एक चीज बोला लो, करेक्ट है क्या तक? हाँ, ये ऊपर गया 10^-2 -2, 1.77 × 10^-2 0.177 वोल्ट पर, चेक कर लो आंसर, यही हुआ है क्या? बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी, व्हेन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर। याद होगा आपको, असिस्ट केस में एक सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होता है, तो जो ईएमएफ बनता है वो होता है E1 प्लस E2, राइट। देयर बैलेंसिंग लेंथ ऑन पोटेंशियोमीटर इज फाउंड टू बी 2.7 मीटर। और हमने जब थ्योरी देखा था, तो जब दो सेल एक दूसरे को असिस्ट करते हैं तो लेंथ को हमने नाम दिया था L1, तो इसकी वैल्यू है L1। When the cells are connected in series so as to oppose each other, oppose मतलब E1 - E2, the balancing length is found to be 0.3, इसको हमने बोला था L2, क्या बोला था इसको हमने? L2, compare the EMF of two cells। तो देखो ऐसा है ना, अगर आप लोगों को theory याद है, question कुछ भी नहीं है। पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ को L1 दिया था ना 2.7 मीटर, दूसरे केस में बोला था L2 0.3 मीटर। आपको फाइंड करने के लिए बोला है, क्या बोला है फाइंड करने के लिए? रेशियो ऑफ E1 / E2। और अगर आपको याद होगा, सम एंड डिफरेंस मेथड में, असिस्ट एंड अपोज मेथड, मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड में E1 / E2 ये होता है L1 + L2 / L1 - L2 बराबर। तो E1 / E2 इक्वल्स टू L1 की वैल्यू कितनी है? 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3 मतलब 3 अपॉन 8 and 10। अब जिसको समझ में नहीं आया कि कैसे आया, कुछ नहीं है, ये 3 upon 2.4 मतलब 30 upon 24, 3 8 3 10, 10/8 is 5/4 and 5/4 is 1.4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, सिर्फ आपको थ्योरी याद होना चाहिए. द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. तो एक सेल है जिसका ईएमएफ बैलेंस हुआ, मतलब कैलोरीमीटर से करंट जीरो हुआ, कितने लेंथ के लिए जीरो हुआ, 120 सेंटीमीटर, इसको L1 बोल देंगे. व्हेन द सेल इज शंटेड, शंट मतलब क्या करना, पैरेलल में कनेक्ट करना. सेल को पैरेलल में क्या कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस, L1 का. बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस बाय 20, पहले 120 था, अभी कितने से कम हो गया, तो नया कितना हो गया, 100. फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. अब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का जो सेकेंड यूज था टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका डायग्राम याद होना चाहिए. अगर वो याद है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो यू मस्ट एट द फर्स्ट प्लेस आपको डायग्राम याद होना चाहिए, मतलब ये वाला डायग्राम याद होना चाहिए. तो ये डायग्राम याद नहीं है तो मैं समझा देता हूँ, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस. अभी क्वेश्चन में डायग्राम मत ड्रॉ करते बैठना, ये हम लोग सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आए इसके लिए इसका हेल्प लेने वाले हैं. ओके, तो ये है डायग्राम. अब जब तक मैं इस की को ओपन रखता हूँ तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में है क्या, नहीं है. अगर रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है तो उस केस में तुम ये जो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो करते हो बाय फाइंडिंग आउट अ पॉइंट पी, फिर ए से पी तक जो लेंथ होता है क्या नाम देते, पता है, L1, और वही है 120. इसको बोलते हैं सेल इज बैलेंस्ड अगेंस्ट लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर. फिर क्या बोला है, व्हेन द सेल इज शंटेड, सेल को शंट करना मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाना, मतलब ये की को क्लोज करना. यहाँ पे अभी की को क्या कर लिया, क्लोज. तो ये जो सेल है इसके साथ रेजिस्टेंस किसमें आ गया, पैरेलल में आ गया, राइट. तो उस केस में वो रेजिस्टेंस कितना है, वो N ohm. उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ का क्या नाम दिया था, L2 AP dash. वो लेंथ कितना है, L1 माइनस 20, जो कि 20 सेंटीमीटर से कम हुआ. तो ये है 120 माइनस 20 मतलब 100. और फाइंड करने के लिए क्या बोला है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस. डू यू रिमेम्बर R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R. है ना, ऐसा फॉर्मूला हाँ कि नहीं, यस नो, यस. तो L1 की वैल्यू कितनी है, 120, L2 कितना है, 100, अपॉन कितना है, 100, इंटू R कितना है, R 10, कितना है 10, तो 20 बाई 100 इंटू 10 मतलब 200 बाई 100 मतलब कितना हो गया. क्वेश्चन सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग अ वायर इज 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब के कितनी वैल्यू है, 5 × 10⁻³. इफ द ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेल का ईएमएफ बैलेंस अगेंस्ट लेंथ ऑफ 216 सेंटीमीटर ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल. सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कहे आपको गिवन पैरामीटर में क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. आपको लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ है, 216 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 2.16 मीटर. ये रहा तक पक्का, पक्का, श्योर, श्योर. आपको पूछा क्या है, क्या पूछा है, ईएमएफ क्या पूछा है. फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वी बाय एल. इसी को तुम ई बाय एल भी लिखते हो, क्योंकि वी बाय एल याद है क्या, वी ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी, वी ए पी अपॉन लेंथ ऑफ ए पी, सारे इक्वल आते हैं, याद आ रहा है. अगर याद आ रहा है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि के क्या आ गया, ई बाय एल, तो ई क्या आ गया, के एल. व्हाट इज के, 5 × 10⁻⁴
माइनस थ्री और लेंथ कितना है 2.16 मीटर में चाहिए क्योंकि ये वोल्ट पर मीटर में था। 2.16 इंटू 5 होता है 10.8 इंटू 10^-3 मतलब 1.08 इंटू 10^-2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम, इट्स लेंथ इज 8 मीटर। वायर का लेंथ 8 मीटर है, रेजिस्टेंस भी कितना है 8 ओम। अ रेजिस्टेंस बॉक्स, अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। तो वायर को तुमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक बैटरी सीरीज में लगा दिया। व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स इफ इट इज डिजायर्ड टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर mm। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस मैं इसको बोलता हूँ कैपिटल आर, साथ में लिख देता हूँ गिवन पैरामीटर में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, कितना है 8 ओम। इसका लेंथ कितना है 8 मीटर। इसके साथ हमने सीरीज में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया किसको कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को और किसको कनेक्ट किया एक सेल को। तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स और यहाँ पे सेल, यहाँ पे आ गया ये सेल प्लस माइनस और ये हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसलिए एरो दिखा दिया। तो यहां पे करंट हो गया आई, यहां तक क्लियर पक्का। और पोटेंशियल, इट इज डिजायर्ड टू हैव पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर mm, मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ, मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 माइक्रोवोल्ट पर mm। माइक्रो मतलब 10^-6 mm, मतलब 10^-3 mm, ऊपर 10^-6 नीचे -3 तो कितना आया 10^-3 वोल्ट पर बराबर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस था सेल का स्मॉल आर। इस क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बताया, क्या बोल दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, एग्जैक्टली सेम है तो कुछ फर्क ही नहीं है, फॉर्मूला सेम ही बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, के इक्वल्स टू वी बाय एन, लेकिन वी क्या होता है आई आर, कौन सा आर, वो ऊपर वाला आर, आर भी नहीं वो आर, करेक्ट। तो के क्या आ गया आई आई आर बाय एन, लेकिन आई क्या आया था ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर को क्या नाम दिया है आर बी, बराबर सेम है फॉर्मूला सेम है। तुमको क्या चाहिए आर बी, क्या फाइंड करना है आर बी, पूछा ना क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स, बॉक्स में कौन सा रेजिस्टेंस है आर बी। तो तुमको फाइंड क्या करना था, क्या फाइंड करना था, अरे क्या फाइंड करना है आर बी, क्या फाइंड करना है आर बी, रेजिस्टेंस इन द बॉक्स आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको यहाँ लेके जाता हूँ, किसको आर प्लस आर बी को यहाँ लेके गया, तो क्या आया ई बाय के अपॉन इंटू आर बाय एल, तो आर बी कितना आया ई आर बाय के एल माइनस आर, तो आर बी क्या आया आर कॉमन निकल गया ई बाय के एल माइनस, बन गया फॉर्मूला यस। अब इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, आर की वैल्यू कितनी थी 8, ई की वैल्यू कितनी है, कितनी ई की वैल्यू बोला है 2 वोल्ट, कितना बोला है 2 वोल्ट, तो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट 2 अपॉन के कितना आया 10^-3 और एल कितना है 8 - 1 1 = 4 का 10^-3 ऊपर गया तो कितना 10^-3 कितना 1000
250 से एक गया तो कितना आया 249, तो ये होता है 1992 ओम। कितना होता है 1992 ओम। बुक में दिया है 15992, है ना, तो 5 गलती से प्रिंट हुआ, उसको हटा। डन। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपको जाएगा एज एन असाइनमेंट, क्योंकि आई शुड नॉट बी सॉल्विंग एवरीथिंग फॉर यू, यू शुड ऑल्सो बी डूइंग समथिंग। थोड़ा सा आप ट्राई करो, नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, अ वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम। ये भी क्वेश्चन हमने आज ही सॉल्व किया इस टाइप का। एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। अभी याद होगा आज ही किया हमने, हमने एक वोल्टमीटर दिखाया था, मैंने बोला था कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे। इस वोल्टमीटर को हमने कनेक्ट कर दिया कनेक्ट अक्रॉस सेल ऑफ EMF 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस 20। तो यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसका EMF 2 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम है। ये करंट है I, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर वापस से अपने नेगेटिव टर्मिनल में गया। और गुड, क्या पूछा है, रीडिंग ऑफ व्हाट विल बी इट्स रीडिंग, किसका रीडिंग। अरे तो वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब V होता है, अभी तो बोला क्या होता है, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V पूछा है, दिया क्या क्या है, R कितना दिया है 100, स्मॉल R कितना दिया है 20, और E कितना दिया है 2 वोल्ट, बराबर। और पूछा क्या है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर मतलब V कैसे फाइंड करते हैं, बताओ तो कैसे करते हैं, V equals to I R, और I क्या आता है, अभी बताया था मैंने, E upon small r plus capital R, तो V क्या बन गया E upon small r plus capital R into, हो गया, good, so therefore V equals to E, what is E, 2, small r, what is small r, 20, capital R मतलब 100 into 100, तो 200, या फिर एक काम करता हूँ 2 upon 120 into 100, very good, गया 5 जा 6 जा 1 जा 3 जा 5 by 3 is 1.666, है ना, तो आंसर आएगा 5 by 3 या फिर 1.66 volt, so that is the end of this chapter।